फरमाइश है रागनी की। काफी साल पहले मैंने और रचना तिवारी ने यह रागनी गाई थी और YouTube पर जब बहुत चल रही थी, तो अब की बार शिल्पी तिवारी के साथ में यह रागनी केक भाई ने नई नई कमांडर जीप कटवा ली और जीप कटवा के और रोहतक शिला बाईपास पर लगा ली और उड़े आवाज लगावे चलो खरखोदा चलो खरखोदा। और शिल्पी तिवारी जी से एक छोरी आई नु बोली भाई की जगह नुकल लगे पहले तो मैडम भाई नहीं कहेगी क्यों ये जीप वाले बड़े खतरनाक हो जब इसी इसी सवारी आवे उसने पाछा ना बैठाऊ अपने तो रहू केर के तो रह बैठाऊंगे तो नोड़ा पा करवा गए नुबला पहले तो भाई नहीं कह देगी और दूसरी बात न्यू बता जावे कितकी किच्चा की मैडम तू कौन है? मैं हाँ मैं जीप वाला जीप वाला हाँ फिर ये बता मुझसे क्या तुझे काम है? तेरे तक काम मने न्यू है गणियान कि तू स्टैंड पे खड़ी है और मने ईसा लगा कितन कितना जागी तू जाऊंगी हाँ मैं जाऊंगी मेरा तो रोज का काम है। रोज का काम तो है तेरा पर टाइम देख के हो रहा है दिन छपता रहा है और इस टाइम पे स्टैंड पे खड़ा होना तेरा इकली का ठीक नहीं है। तू जीप में बैठे और सवारियां की मने कोई जरूरत नहीं तू चढ़ेगा की उड़े तेरा टूटेगा। अच्छा हाँ तेरे को पता नहीं देख ले कितने अच्छे अच्छे मानस बैठे हैं सारे बैठाने को तैयार है दो मिनट में तू एक बार निकल पक्षे ने इन मानसा ने छोड़ दे इन मतलब कई तो हमारे गांव के इसे छोरे हैं जो तेथन ले रहे हैं केथन। हाँ मेरी बात सुने ना तो मैं केथन में जाऊं अच्छा ना तेरी गाड़ी में जाऊं और क्या मतलब की मुझे कित गया वो रामफल ना चला गया देख ले वो बैठा। हाँ चाह मुझे उसके बुग्गी झोटे में जाना पड़ जा बुग्गी झोटे में हाँ लेकिन तेरी गाड़ी में ना जाऊं पागल बुग्गी झोटे में नहीं बैठा करते बुग्गी झोटे में एक रात और ईसा होया करे कौन सा बम्ब बम्ब हाँ देख ले से ना डरती बम्बा तो नहीं डरती कट्टी ना डरू मैं। अरे पागल तू सारी चीजें ना छोड़े अरे देखे यार नई जीप खड़ी अच्छा इसकी सीटा की पन्नी भी नहीं पाड़ ली है मैंने काची है कती कती काची कती काची हाँ कती काची बिल्कुल कती काची हाँ बिल्कुल काची बिल्कुल लेकिन जब बिना बैठे हुए तू मेरी बात सुने क्या अपनी बात सुनिए बोला बैठ जीप में कती ना बैठू तेरी जीप में हेरे अच्छा ये कहना बैठू कती ना बैठू ना बैठू ना बैठू तू ना बैठेगी मैं आगे तो बैठाऊंगा। अगर तुझे जाते ही बैठाने का शौक है ना हाँ। तो इसने बैठा ली होता उन्हें वीडियो बनाने लग रहा यो तो मेरा कंडक्टर है इसने ले जा पड़ेगा हाँ। यो तो कंडक्टर है जब पाछे तो सवारी ना चढ़ा ना यो पाछे तो दोनों हाथा धक्का ला के चढ़ा कर तेरे पर क्या गए हाँ अच्छा अपनी बात सुनिए बता के आजा गोरी बैठ जीप में ना ना के आजा गोरी बैठ जीप में मेरी जीप रोड की रानी या चल टोप गेर में जजी पे मोड़े अपनी अच्छा तू ले जजी पे मोड़े अपनी तेरी रोड Let's go.
अच्छा और रोडवेज में इतनी भीड़ पावेगी हाँ। इतनी भीड़ पावेगी ना तो तने सीट मिले अच्छा और तने दोनों डंडे नु पकड़ के जब खड़ी होगी ना हाँ। जब एक तो ऐसा ऐसा बूटा मिस कॉल मार देगा पाछे नहीं मेरी बात सुने हाँ। अगर मैं बस में चढ़ गई अच्छा। और अगर उस बस में ऐसे ऐसे सवारी बैठे होंगे हाँ। पता है क्या कहेंगे तू कहेंगे मैडम जी वेलकम अच्छा ये फटाफट उठ लेंगे मुझे देख के जब पाछली खिड़की में गचड़ गई ना हाँ। वेलकम करते करते तने बोनट पे ले जाकर छोड़ेंगे अच्छा हाँ ऐसा कुछ नहीं है सेंटर में तू क्या है गिलोरी बिना चटनी कैसे बनी मैं तो चटनी का बात करूं हूं हाँ। और यू गाना सबने सुना होगा लेकिन जोन सत्तू का है यू कौन सा गाना है यो मारे हरियाणा का प्योर गाना है हेलो अच्छा हाँ। कौन सा है सुनाइए एक बार तुम्हारा से कैसे फटी हाँ। तेरी कैसे फटी गलत नहीं समझोगे भाई गलत नहीं गलत बात नहीं है मीनिंग दूसरा है हाँ। कैसे कैसे फटी तेरी कैसे फटी कैसे फटी तेरी कैसे फटी कुल्हाड़ी बिना लकड़ी कैसे फटी कुल्हाड़ी बिना लकड़ी कैसे फटी जीतू ठेकेदार बलियाना से 1100 रुपए मंदिर में
सहयोग करते हैं, बार बार धन्यवाद। मेरे बड़े ही अजीज मित्र कलोई खास के सरपंच साहब भाई सोनू उठा 200 रुपए से अपने छोटे भाई का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। भाई वीरेंद्र ठेकेदार जी और भाई अनिल प्रधान जी दोनों भाई 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार तहे दिल से धन्यवाद है। समुंदर सरपंच साहब भुगान गांव से 1100 रुपए मंदिर में सहयोग करते हैं, बार बार धन्यवाद है। अरे देखे मेरी बात सुन मैडम, कौन सी कोई हसीना जब रूठ जाती है तो इसका नाड़ा तो दे दो मेरे यार, कुर्ता तो पाड़ दिया इसका। हाँ कई इसने बैठाए उठन मत हो इसने। भाई फूल फूल उड्डा साहब खेडवाड़ी से 100 रुपए से अपने छोटे भाई का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। और आइए बहुत अच्छे लागनी प्रेमी सतीश कलोया जी, ये 100 रुपए देके स्पेशल देते हैं, कहते हैं जूस पीने के लिए। भाई सतीश 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। और निट्टू बुक हाउस 100 रुपए से अपने छोटे भाई का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद।
वाणी से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। मेरे बड़े ही अजीज मित्र राजू रुखी से जो अभी अभी सऊदी अरब से जो हमारे बीच में पहुंचे हैं, जो लगभग 12 साल से वहां पे कार्यरत हैं, 100 रुपए से अपने छोटे भाई का और मान सम्मान करते हैं, बार बार तहे दिल से धन्यवाद है। यही इनकी गलती ना है, यो जो सामान ये पी रहे हैं यो लड़े आए न्यू कर रहे इनके। हाँ मेरा था भाई 50 रुपए सामान सामान करते बार बार धन्यवाद। पुराने सरोता हैं, देख लो क्यों कर आया हर क्यों कर गया है भाई पिंदा उल्दारे। 200-200 रुपए से दोनों कलाकारों का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। अर तू के कह है मना दन्यू कई चोली के पीछे क्या है, अर तू के कह है चोली के पीछे दिल मेरा और ये दिल दूंगी मैं अपने यार को। ये है तो सब कुछ है, ये इतने खतरनाक है बचकू बिठा देंगे अरे। अच्छा हाँ मर्डर कर देंगे। हाँ ना ऐसे नहीं है ये राम मेरा अंडा 50 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। भाई सिल्ला कोच प्रधान है, मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। हाँ जी फ्रंट सीट पर आ जा मेरे घर तू मन की